हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, जैसा कि 26 क्वेश्चन तक हमने पहले पार्ट में एमबीपीएससी प्रीलिम्स का सेकंड पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और दूसरे पार्ट में हम उससे जस्ट आगे 27 स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट न करते हुए। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो है इसके बारे में दिया हुआ है, कुछ डायरेक्शन सीटिंग अरेंजमेंट है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन से हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है कि 8 पर्सन्स, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड दिस टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। जैसे कोई टेबल है और 8 लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं, जैसे इसको ऐसे समझें इस तरह से, ठीक है, और सब सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। और लिखा है कि P एंड W आर फेसिंग इच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द मैक्सिमम पोजिशन पॉसिबल। तो मैक्सिमम पॉसिबल आपको पता है कि अगर कोई 4 है तो उसका जो डायगोनल्स होता है वो मैक्सिमम ही होता है, ठीक है। तो अगर हम उनको माने कि P यहाँ बैठा है और W यहाँ पे है, ठीक है, और लिखा है द डायरेक्ट सन रिफर्स इन द डेटा एंड द क्वेश्चंस बिलो आर द रिस्पेक्टिव टू एब्सोल्यूट वंस एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब इसमें पहले बताया है तो पी और डब्ल्यू के पोजिशन क्या हो गई, ये और ये कॉर्नर। और इसमें पहले बताया है कि जो इन के बीच का जो डिस्टेंस है मिनिमम जो होना चाहिए, कि इन पार्टी स्क्वायर टेबल जो एजेस का डिस्टेंस है कितना है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद क्या बता रहा है कि जो डायरेक्शन है वी इज सिटिंग नॉर्थ टू द एस एंड ईस्ट ऑफ पी। पी के ईस्ट में किधर बोले तो इस डायरेक्शन में कौन है, वी, ठीक, और इज सिटिंग नॉर्थ ऑफ एस। नॉर्थ किसके आएगा, इसके आएगा, यानी कि एस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ईस्ट ऑफ पी जो कि फॉलो हो रहा है इस कंडीशन को। अब बोला है आर इज सिटिंग नॉर्थ ऑफ यू एंड डब्ल्यू एंड वेस्ट टू क्यू, क्यू की वेस्ट में। वेस्ट किधर पड़ेगा, इस डायरेक्शन पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि क्यू यहाँ पे है और इसके वेस्ट में आर यहाँ पे मान लेते हैं और यू के नॉर्थ में। अगर यू यहाँ पे है तो कैसे हो गया पी वी, और जो बाकी बचा उसको मानते हैं यस यहाँ टी यहाँ पे है। अब देखते हैं क्वेश्चन को, ये सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आया, ओके। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये एक टेबल है और टेबल में पी से स्टार्ट होता है कॉर्नर और डब्ल्यू और बाकी ये ऐसा इस टाइप का अरेंजमेंट है और उसको हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग टू आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस टू डब्ल्यू। अब डब्ल्यू यहाँ पे है, आप देखेंगे कि डब्ल्यू के इक्वल डिस्टेंस पे कौन है, ऑप्शन है एस एंड क्यू। तो हम देखते हैं एस और क्यू जो है सेम डिस्टेंस पे है, ये इधर जाएंगे तो भी वही डिस्टेंस आएगी, यहाँ जाएंगे तो भी वही डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब वी एस दे रहा है तो वी यहाँ पे है और एस यहाँ पे है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और वी आर आर की बात कर रहा है तो मतलब बाकी ऑप्शन रॉन्ग होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन में क्या है कि हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन एस, ओके। क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन एस। आपको पता है कि हमने डायग्राम क्या बनाया था और एस कहाँ, एस की पोजिशन क्या थी यहाँ पे, ठीक है, और यू आर ऐसे करके था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एस के लेफ्ट में कौन है, एस यहाँ पे बैठा है, सेंटर किधर है इसका, इधर साइड में, तो इधर है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर, तो आंसर क्या हो जाएगा यू, ठीक है, गॉट इट, ओके। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड आर इज इक्वल टू, ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू, डब्ल्यू की पोजिशन क्या थी यहाँ पे, आर की पोजिशन क्या थी यहाँ पे, ठीक,
अब हम देखते हैं कि इसके बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है, इसके बीच और इन दो इन सब का डिस्टेंस कितना है, 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ का तो 200 हो गया और यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है, तो ये हो गया 100। और यहाँ की इसकी डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये पूछ रहा है ये डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा। हम अगर इसका पाइथागोरस प्रमेय से निकालें तो इसका हो जाएगा डिस्टेंस 100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो इसका फिर कितना हो जाएगा, ये 100 में जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, प्लस ये ऐसे हो जाएगा, टोटल ऐड करके कितना हो जाएगा, ऐसा। ओके, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 का स्क्वायर बन रहा है, तो 100 के स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं। इसे अगर हम इसको आगे ऐसे करना चाहें कि 100 का स्क्वायर गुणे 5 ऐसे हो जाएगा, तो 100 ये बाहर आ जाएगा और तो आंसर क्या हो जाएगा, सी कोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग एदर नॉर्थ और साउथ ऑफ टी। आपको पता है जो हमने बनाया था उसमें टी की पोजीशन क्या थी, यहाँ पे इस कॉर्नर पे टी की पोजीशन थी, और पूछ रहा है इसके नॉर्थ या साउथ में क्या है, इसके नॉर्थ में होने के तो कोई चांस नहीं है, और इसके साउथ में क्या थे, यहाँ पे क्यू की पोजीशन थी और यहाँ पे डब्ल्यू की पोजीशन थी, तो क्यू और डब्ल्यू की पोजीशन क्या है, आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सेल फोन यूजर्स हैज बीन स्टेडली इंक्रीजिंग इन रिसेंट टाइम, दिस डेफिनेटली मीन्स दैट, क्या कहना चाह रहा है कि सेल फोन का उपयोग इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो ऑप्शन ए में क्या है कि सेल फोन्स है बिकम चीप, सेल फोन बहुत सस्ते हो गए हैं, तो हो सकता है सस्ते हो गए हैं इसलिए यूजर्स लोग ज़्यादा लोगों के पास है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। और ऑप्शन देखते हैं, पीपल स्टार्टेड गेटिंग मोर इनकम्स, पीपल्स के पास ज़्यादा इनकम हो गया इसलिए यूजर्स बढ़ गया है, और मैनी सेल फोन शॉप्स हैव ओपेंड, मतलब सेल फोन्स की दुकान बहुत सारी खुल गई हैं, या फिर सेल फोन कंपनीज गिव मैनी एडवर्टाइजमेंट्स, कि सेल फोन कंपनियाँ बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दे रही है इसलिए। देखिए ये पहले भी होता था तो ये ऑप्शन नहीं है, और बाकी शॉप ज़्यादा खुल गए हैं इसका कोई औचित्य नहीं बनता है, और पीपल गेट स्टार्ट मोर इनकम, तो पीपल ज़्यादा इनकम कमाने लगे ऐसी कोई बात नहीं, महंगाई पहले जैसी ही है तो इसका दर ऐसा कुछ नहीं है, और सेलफोन सस्ते हो गए हैं, हो सकता है मे बी कि सेलफोन सस्ते हो गए हैं और उसका यूजेस भी ज़्यादा हो गया है ज़्यादा लोगों के पास, इसलिए सस्ते हैं मतलब ज़्यादा लोगों के पास अवेलेबल होगा इसलिए इसका यूज बढ़ेगा, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इन द फिगर बिलो ए सी प्लस ए बी इजकल टू 5 AD एंड ए सी ए डी माइनस ए डी इजकल टू 8। ठीक है, आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर है और ये बीच में डायगोनल बना दिया गया है, और ए सी पे बीच कुछ शर्त दी गई है और उस पर हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो ए सी इजकल टू कितना दिया गया है, ए सी प्लस ए बी इजकल टू कितना है, 5 AD। ओके, तो ए सी को आपको पता है ए सी क्या है, डायगोनल है, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं तो रेक्टेंगुलर बन रहा है, तो अगर हम इसको इस साइड ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा, ए सी इजकल टू 5 AD माइनस ए बी। ओके, और दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 AD स्क्वायर। ठीक, अब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर पड़े होंगे तो वो माइनस वाला, तो इसमें इसका ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ठीक, और माइनस में दोनों का 2 से मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 10 यानी कि माइनस 10 AD ए बी। आपको पता है जो ए सी है वो क्या है, डायगोनल है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर और ये दोनों
बराबर हैं, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस ये क्या है बी सी, और बी सी और ए डी बराबर हैं तो ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये जो इक्वेशन बनी है इसके। अब इनके पक्षों को हम देखते हैं तो ये इधर में ए बी और इधर का ए बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इधर का ए डी स्क्वायर है, और इधर कितना है 25 ए डी, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर होगा तो 25 हो जाएगा। ये इधर है और ये माइनस में है, तो इसके इसमें बराबर इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये जाएगा इस साइड में और इसको इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा कि 25 ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर 10 ए डी मल्टीप्लाइड बाई ए बी। ओके, अब ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 अब ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 ए डी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 10 ए डी मल्टीप्लाइड बाई ए बी। अब ये ए डी स्क्वायर है तो आपको पता है कि स्क्वायर है तो हम दो बार ए डी लिख सकते हैं, एक बार ए डी फिर क्रॉस करके एक बार ए डी, तो जब दो बार लिख सकते हैं तो ये ए डी और ये ए डी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच क्या जाएगा 24 ए डी इक्वल टू 10 ए बी। ओके, और फिर ए बी और ए डी का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा ए बी अपन ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो 10/24 मतलब 5/12। ठीक है, यानी कि हमको क्या पता चल गया, ए बी का मान पता चल गया 5, यानी हमको क्या पता चल गया ए बी का मान पता वैल्यू पता चल गई 5 और ए डी की वैल्यू पता चल गई 12। वो कैसे देखिए, ए डी जो है इसकी वैल्यू पता चल गई 12 और ए बी की वैल्यू कितनी पता चल गई 5। ठीक है, पिछले इक्वेशन से तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई लेंथ इनटू ब्रेथ कितना हो जाएगा 12 × 5 बराबर 60। ठीक है, कितना आ गया इसका 60, ऑप्शन में 60 कहाँ है सी पे, आंसर क्या हो जाएगा सी। ओके, समझ में आया होगा, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, ओके ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एस ओन इन द फिगर बिलो 4 क्वाइन आइडेंटिकल क्वाइंस आर प्लेस्ड इन ए स्क्वायर, 4 इज क्वाइंस, द रेशियो ऑफ एरिया इज टू सर्कमफेरेंस, यानी कि एरिया टू सर्कमफेरेंस इज सेम एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू एरिया, यानी कि सर्कमफेरेंस टू एरिया क्या बोल रहा है, क्या है इक्वल है, ठीक है सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग और क्या बोला है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट इज नॉट कवर्ड, इसको फाइंड करना है, ठीक है ना, यानी कि जो एरिया कवर नहीं है क्वाइन में उसको फाइंड करना है, ये जितने क्वाइंस के बाहर का एरिया है स्क्वायर के अंदर। ठीक है, ठीक है, जो कंडीशन दिया है वहाँ चलते हैं, तो क्या हो जाएगा एरिया स्क्वायर इक्वल टू सर्कमफेरेंस स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू सर्कमफेरेंस, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका जो स्क्वायर है ये वृत्त है, वृत्त सर्कल उसका पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, इधर से पाई और इधर से पाई कैंसिल हो जाएगा, और इधर का एक आर इधर का एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू कितना आ जा रहा है 2। ओके, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 2। आपको पता है कि आर इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है आर का 2 गुना होता है, तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये डायमीटर भी 4 हो जाएगा क्योंकि जितने कॉइंस है सेम है, तो हम जो स्क्वायर के साइड है इसकी एक भुजा है उसका कितना होगा 8, हम मान लेते हैं 8 हो किसी भी यूनिट में है तो 8 हो गया, तो इसका जो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा तो 8 × 8 हो जाएगा
ठीक है। और जो क्वाइंस का है, क्वाइन का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्वाइन का एरिया अगर हम पूरे इस एरिया से अगर हम क्वाइन के एरिया को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो भी रिमेनिंग है, जो भी बच जा रहा है, उसका आंसर आ जाएगा। तो हम अगर ये हो जाएगा स्क्वायर का एरिया माइनस अगर हम क्वाइन के एरिया, क्वाइन कितने हैं 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई इनका पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का जो स्क्वायर है वो कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 64 माइनस 4, और ये स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 4 16 पाई, ठीक है। हम यहाँ से 16 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ से 4 बचेगा, फिर माइनस पाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर ए एंड, जैसे कि 2.5% ऑफ वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर ए एंड रेस्ट प्रॉमिस टू वोट फॉर बी, है ना। ऑफ दिस ऑन द लास्ट डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट टू बैक ऑफ अदर प्रॉमिस, सॉरी, बैक टू देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर ए, ठीक। एंड 25% ऑफ वोटर्स वेंट टू बैक टू देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर बी, ओके। ए लॉस्ट बाई 200 वोट्स, देन मतलब ये है कि ए जो है चुनाव कितने वोट से आ गया, 200 वोटों से। देन द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं कि ए जो है ये कितना लोगों ने इसको प्रॉमिस किया, 2/5 जितना भी होगा। हम अगर मानते हैं कि जो वोटर्स हैं टोटल 100% हैं, ठीक है, तो 100% का जो 2/5 है, अगर हम 5 इसका 2/5 देखें तो कितना परसेंट हो जाएगा, 40%, ठीक है, 40% होगा। और इसमें क्या बोला कि इसका जो 15% है उन लोगों ने लास्ट टाइम पे वोट डालने से, इसको देने से मना कर दिया, अपने वादा से मुकर गए, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 4 इसका, सॉरी इसका, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 4 का 6, ठीक है। तो ए को कितना वोट उस दिन मिले जो प्रॉमिस किए हुए थे, 34%, ठीक है। अब बी का देखते हैं, बी को क्या बोला है कि जो इस रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है, 60%, 60%, और बोला है कि इसका जो लास्ट में जो वोटिंग करने गए थे लोग, उनमें से 25% लोगों ने इससे वादे से मुकर गए थे, इसका 25% कितना हो जाएगा। आप इसका 25% निकालेंगे तो कितना करेंगे, 60 × 25/100, है ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 5 2 ना 5 5, और ये हो जाएगा 2 3 6, यानी कि 15, ठीक है। इसका 25% कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। अभी इतने लोगों ने उसको क्या किया, वोट डालने से लास्ट दिन में इनकार कर दिया, तो ये कितना परसेंट वोट पाया, 45% वोटिंग इसको हुई। अब आपको पता है कि 6% जो है इससे इनकार किए तो किसको वोट दिए होंगे, इसको दिए होंगे बी को, और इसका जो 15% है इसको अगर इनकार किए तो किसको दिए होंगे, ए को। तो जो ए का ये 15% मिल गया तो कितना हो गया इसको वोटिंग, 49%, और बी को जो ये 15% था, 6% ए वालों ने जो मना किया था किसको दिए, इसको, तो इसका कितना वोटिंग परसेंट हो गया, 51%। अब बताइए कि जो बी है 51% पाया तो उसने क्या क्या चुनाव जीत गया, और ये 49% पाया चुनाव हार गया। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2% है, 2% है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 200 है, बता रहा है ना कि 200 वोटों से हार गया। तो 2% का अगर वैल्यू 200 है तो इसका 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन है 40% इम्प्लाइज ऑफ अ कंपनी आर मेन
एंड 75% ऑफ द मेन अर्न मोर देन 25,000 पर ईयर। क्या है कंपनी है जिसके 40% लोग क्या है मेल हैं, ठीक है, और बाकी जो है फीमेल हैं। तो मान लेते हैं कि कंपनी में 100 लोग हैं तो उसमें 40 क्या है मेल हो गए, मेल, और फीमेल कितनी हो गई इसके बाद जो बच रहे हैं मतलब 60, ठीक है। अब बोला है कि इनमें से इसका जो 75% लोग हैं वह 25,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं। तो इसका 75% कैसे हो जाएगा, 40 गुणे 75 बटे 100 बराबर, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 2 × 4 = 2 × 5 = 5 15 × 75 = 30, ठीक है। 30 मेल पर्सन क्या है 25,000 से ज़्यादा कमाते हैं। और क्या बोल रहे हैं आगे, इफ 45 ऑफ द कंपनीज इम्प्लाइज अर्न मोर देन 25,000 पर ईयर्स, ठीक है, यानी कंपनी के जो 45% इम्प्लाइज हैं कर्मचारी हैं वह 25,000 से ज़्यादा कमाते हैं। तो हमने 100 लिया है तो 100 में अगर 45% लोग 25,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं तो 30 तो मेल हो गए, तो फीमेल कितनी बची, इसमें से अगर हम 45 में से 30 घटाएंगे तो कितनी बच गई, 15, यानी कि 15 फीमेल हैं जो कि 25,000 से ज़्यादा कमाती हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन इम्प्लाइड बाय द कंपनी अर्न 25,000 और लेस पर ईयर। अगर अब बोला है कि जो फीमेल हैं जो 25,000 से कम या उससे उतना है या उससे कम कमा रही हैं तो उनका कितना अंश है, क्या परसेंट फ्रैक्शन है, तो ये इनकी संख्या कितनी है 60, 15 वो हैं जो कि ज़्यादा कमाती हैं 25,000 से, तो 25,000 है उससे कम कमाने वाले की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें माइनस कर देंगे इसको तो कितना हो जाएंगी 45। अब 45 कितने में से 60 में से, अब इसको देखते हैं कि 15 × 4 = 60 और 15 × 3 = 45 तो कितना आ जाएगा 3/4, मतलब इतने फ्रैक्शन में ऐसी महिलाएं हैं जो कि 25,000 या उससे कम कमाती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है कि अब म्यूजिकल इवेंट ऑफ फेमस सिंगर इज बींग ऑर्गेनाइज ओनली फॉर द एम्प्लाइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फैमिलीज, वन ऑफ योर फ्रेंड इज ए फैन ऑफ द सिंगर एंड रिक्वेस्ट यू टू मेक हिम एज योर फैमिली मेम्बर, वाट विल यू डू। फ्रेंड्स क्या है कि ये जैसे के एम पी पी एस सी का जो एग्ज़ाम है ये किसके लिए है, प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए, और ऐसे में क्या होता है कि आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आपको उसके तहत चलना होता है, और इसमें आपको इसी पे बेस्ड क्या क्वेश्चन है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या होना चाहिए, है ना, तो उसे पे बेस्ड क्वेश्चन है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के जैसे कोई एम्प्लॉई हैं और उसमें बताया जा रहा है कि एक जो फंक्शन है वो किया जा रहा है म्यूजिक का, उसमें केवल फ्रेंड्स नहीं केवल फैमिली के मेंबर ही उसमें इंटर कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें फ्रेंड्स या फिर अदर जो है वो इंटर नहीं कर सकते हैं। तो एक जो फ्रेंड है वो बोल रहा है आपसे कि नहीं आप देखो मेरे को फैमिली का मेंबर बना लो और ले चलो, तो ऐसा क्या है कि रूल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन है आप क्या डिसीजन लेंगे उसमें आप देखते हैं। तो यू विल टेल योर फ्रेंड दैट द इवेंट इज स्ट्रिक्टली फॉर द फैमिली मेंबर्स एंड that he cannot attend। तो ये ज़्यादा सटील, बाकी ऑप्शंस भी हैं जैसे यू विल ओबलाइज योर फ्रेंड्स बाई आस्किंग हिम टू प्रिटेंड एज ए योर फैमिली मेम्बर्स, तो आप क्या है कि आप उसको फैमिली मेम्बर बना के ले जाएंगे फिर, या फिर उसको डायरेक्ट मना करेंगे या फिर किसी भी तरह से करेंगे, वो अनैतिक टाइप का होगा, इथिकल नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू ऑर्डर डे टीवी फ्रॉम अ वेबसाइट, जैसे कि आप पता है अमेजन फ्लिपकार्ट से आप कुछ भी ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं, इट सो हैपन दैट द टीवी फॉल्स डाउन वाइल अनपैकिंग एंड गेट डैमेज्ड, आप पैकिंग खोलते हैं पैकेट उसका और पाते हैं कि टीवी अचानक से गिरती है और पूरी बिखर जाती है, ख़राब हो जाती है। यू
इनकर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस, आपको बहुत सारा वित्तीय नुकसान होता है, आप टीवी है तो व्हाट वुड यू डू। अब यहाँ पे क्या है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए जो एक इथिकल सोच होनी चाहिए उसको फॉलो करना है, उसके हिसाब से आंसर रखना है। तो पहले ऑप्शन में क्या है, फाइल ए रिफंड प्रिटेंडिंग, आप क्या है रिफंड करने के लिए बोलोगे, क्योंकि गलती आपकी है तो रिफंडिंग तो ऑप्शन यहीं से कैंसिल हो जाता है। यानी कीप द टीवी एंड ट्राई टू गेट फिक्स्ड, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। नेक्स्ट क्या बोला है कि फाइल है लॉसूट फॉर फाइनेंशियल लॉस, क्या है कि आप उसको कोई उसमें कोई केस दर्ज करेंगे, तो केस दर्ज करेंगे जब उसकी गलती रहती तो मैं पैकेट तो सही था, आप खोलते समय गिरा था। नेवर बाई अ टीवी फ्रॉम दैट साइड, ठीक है, तो दैट वेबसाइट, ऐसा भी नहीं है कि आप, क्योंकि वेबसाइट की गलती कुछ थोड़ी नहीं होती, उसने तो बकायदा आपको पहुँचा है। तो इसका आंसर सही यही लग रहा है कि नैतिक रूप से आप टीवी को क्या करेंगे, रखेंगे और उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, यू हैव एन एग्जाम टुमारो एंड अ फ्रेंड ऑफ योर्स अप्रोच यू टू योर होम फॉर हेल्प टू अंडरस्टैंड न्यूटन्स लॉ, मतलब आपका एग्जाम है और कोई दोस्त आता है आपका जो बोलता है कि मेरे को न्यूटन्स का लॉ समझा दो, तो आप क्या करोगे। यहाँ पे भी नैतिक रूप से आपको आंसर देना है, आप भावनाओं में नहीं आना है, मतलब कुछ भी कि आप उसको भगा दो या कुछ करो। तो इसमें जैसे कि है पहला ऑप्शन कि आस्क योर मदर टू टेल योर फ्रेंड्स, कि आप अपनी माँ को बोलोगे कि उसको बता दो कि मैं नहीं हूँ, ठीक है, या फिर मीट योर फ्रेंड्स एंड टेल हिम दैट यू डोंट अंडरस्टैंड न्यूटन्स लॉ, आप उससे मिलोगे, आप बोलोगे देखो मुझे न्यूटन का नियम नहीं आता है और तुम चले जाओ, मतलब टालने की कोशिश करोगे, या फिर वो आप उसके साथ बैठ करके न्यूटन्स के लॉ को समझने की समझाने की कोशिश करोगे। इसमें दिया है, और इसमें दिया है कि टेल हिम दैट योर दैट यू विल विल लेट हिम कॉपी इन केस न्यूटन्स लॉ इज आस्क्ड इन द एग्जाम, या फिर उसको बोलोगे कि देखो ऐसा है कि हम अभी नहीं बताएंगे, अगर एग्जाम में आता है तो तुमको मैं नकल करा दूंगा। तो ये क्या है, ये तो साफ साफ नैतिक नहीं है, तो इसको तो ऐसे भी नहीं रखना है। और बाकी जैसे कि यह है कि आपको नहीं आता है, आता है तो आप अगर उसको बहाने बताते हो तो ये अनैतिक हो जाता है। तो सीधा से क्या करना है, उसके साथ बैठोगे और उसको समझाने का प्रयास करोगे कि न्यूटन्स लॉ क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर ए वार्डन ऑफ ए हॉस्टल, आप हॉस्टल के एक वार्डन हो, द मेस कॉन्ट्रैक्टर जो मेस का मालिक है वो आपके पास क्या कंप्लेन करता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, मेस का जो फूड है वो स्ट्रे एनिमल्स इनकरिंग फाइनेंशियल लॉसेस, तो जो मेस के कुछ बच्चे हैं वो मेस का खाना पशुओं को खिलाते हैं, किसको, पशुओं को, तो उससे क्या हो रहा है कुछ वित्तीय नुकसान हो रहा है उसको, तो आप उस समय क्या डिसीजन लोगे। तो उसमें उस केस में आपको क्या डिसीजन लेना उसमें बताया गया है कि विल कैपिफाई द सिचुएशन एंड हेल्प इन मेकिंग अप लॉसेस, आप क्या करोगे उसको जितने भी लॉस हो रहा है वित्तीय आप उसको खुद से पूरा करोगे। तो ये सरासर थोड़ा सा एक हद तो ठीक है, लेकिन भाई वित्तीय लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है आपको कैसे पता चलेगा, है ना। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि विल ट्राई टू अवॉइड द कंप्लेन को अवॉइड करने का ट्राई करोगे, नॉट रिस्पॉन्ड, ऐसे क्या है कि आप कंप्लेन कोई कर रहा है, आप वार्डन है, एक अथोराइज्ड अधिकारी हैं, तो आपको कंप्लेन तो करना पड़ेगा, तो भी ऑप्शन गलत हो जाता है। एंड विल लेवी एडिशनल चार्जेस, आप क्या है बच्चों पे एक अतिरिक्त चार्ज लगाओगे कोई कि आप लोग ऐसा करते हो तो आपको जो फाइन लगा दिया जाएगा, या फिर जितनी फीस होती, मान लो कि अगर खाने का मंथली 1,000 है तो आप उसको 1,200 रुपये कर दोगे, तो ऐसे कैसे कर दोगे, बच्चे ने किया है नहीं किया है। नेक्स्ट ऑप्शन है तो विल इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड फॉरबिड देम फॉर डूइंग इलीगल एक्टिविटीज़, ये थोड़ा ठीक लग रहा है कि आप एक इन्वेस्टिगेशन जांच करोगे उसको और बच्चों को सलाह दोगे कि देखो ये जो कर रहे हो गलत है और ऐसा करने से बचो, है ना, आप ऐसा कर सकते हैं। तो वार्डन होने के नाते क्या करेंगे नैतिक रूप से, ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, अ वोट सेल्स 15 किलोमीटर टू ऑफ ए रिवर
towards upstream in 5 hours, how long in hours will it take to cover the same distance? Same distance. मतलब कि है कि अगर कोई नाव नदी की धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर रहा है? 5 घंटे में, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और किस समय क्या बोला है कि जो धारा की गति है वो 1/4 है किसके? 1/4 किसके है? जो नाव के शांत जल में स्पीड होगी उसकी। तो हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं इसकी शांत जल में स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी हो जाएगी? x/4, 1/4। तो हम देख रहे हैं कि कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर उसकी जो विपरीत दिशा में है वह दूरी तय कर रहा है। तो आपको पता होगा जैसे कि अगर सेम डायरेक्शन में अगर तय करते हैं, जैसे कि x और नाव की और धारा की गति अगर सेम है तो क्या है, स्पीड जो है रिजल्टेंट स्पीड है वो जुड़ जाता है। जैसे अगर x y के हम माने कि इसका स्पीड x है और इसका y है, तो x y हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और रिजल्टेंट स्पीड जब विपरीत में जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे x है और इसकी कंडीशन में दिया है कि 1/4 है धारा की, और ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है, तो x प्लस y है और 1/4 ये है, तो हम कंडीशन को समझते हैं कि इसको हम अगर 4 माने, ऐसे रैंडमली 4 मानते हैं, 1/4 में इसकी 1 हो जाएगी, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 जो स्पीड है वो नाव के शांत जल में स्पीड हो जाएगी, और 3 किलोमीटर की दर से आया वो पर आवर के हिसाब से, और जब जाएगा रिटर्न तो 4 में 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना स्पीड जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएगा वो, तो 5 में इसी स्पीड से जाएगा, तो कितने डिस्टेंस में तय करेगा? 15 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है, 5 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है वो, तो कितने घंटे में तय करेगा वो? 3 घंटे में, ठीक है, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द स्ट्रीम फ्लो एट 1 किलोमीटर पर आवर, वैसे ही नाव वाला फिर से स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आ गया, अ मोटर बोट गोज 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब वही धारा की विपरीत दिशा में कितना जा रहा है? 35 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि अप स्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से जाना और यहाँ से फिर रिटर्न करके इसी पॉइंट पर आ जाना, पॉइंट इन 12 आवर्स, कितना टाइम लग रहा है? 12 घंटे। द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में इसकी क्या स्पीड होगी वो पूछ रहा है। हम देखते हैं कि आपको पता है कि बताए थे जैसे कि जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो जो दोनों की गति है वो प्लस हो जाएगी, और विपरीत में जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। तो इसके हम देखते हैं कि विपरीत जाएंगे तो 35 किलोमीटर है, ठीक है, 35 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितने टाइम लग रहा है? 12 घंटे जब विपरीत में जा रहा है तब। तो अगर इसको हम ये देखें, टोटल 12 घंटे लग रहा है और 35 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, हम रेंडमली क्या लेके देखते हैं, जैसे कि इसको हम 2 फ्रैक्शन में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर हम 6+6 भी कर सकते हैं और 7+5 भी कर सकते हैं, तो हम 7+5 करके देखते हैं, ठीक है। 7+5 करके अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7+5 = 12 होगा, और 7 और 5 में गुणा करते हैं अगर हम, ठीक है ना, तो 35 आएगा किलोमीटर, मतलब ये थोड़ा अलग है। तो इसमें हम कैसे देखेंगे कि अगर इसका शांत जल में हम मानते हैं कि 6 किलोमीटर पर आवर है, और नाव की वैल्यू स्पीड, तो अगर विपरीत में जाएगा, अगर हम शांत जल की स्पीड मानते हैं तो वो अगर हम 1 माने, तो इसमें विपरीत में जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका? 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और इसमें जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर पर आवर, और हम देख रहे हैं कि 7 और 5 दोनों मिल करके कितना हो रहा है? 12 हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका, जो क्या पूछ रहा है कि
मोटर बोट है उसका सात जल में कितना स्पीड है, तो वो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाना चाहिए, ठीक है ना, आंसर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ 1.5x = 0.04y इन द वैल्यू ऑफ दिस बाई दिस इज मतलब वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 + 5x = 0.04y, ठीक है। तो अगर हम वाई को वाई बटे एक्स लाना चाहें तो क्या हो जाएगा, वाई को इस तरफ रखते हैं, एक्स को इधर ले आते हैं, तो यह हो जाएगा एक्स, और क्या हो जाएगा, 1.5 अपन ये जाएगा इधर, कितना हो जाएगा, 0.04, ठीक है, ओके गॉट इट। अब आपको पता है कि एक कंडीशन होता है कंपोनेंट और डिविडेंडो करके कुछ बोलते हैं उसको, तो अनुपातिक समानुपातिक नियम करके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको y में हम जो x है उसको एक बार माइनस भी कर सकते हैं नीचे, और उसको y में एक बार प्लस भी कर सकते हैं अगर बटे में है तो। ऐसे अगर हम करके देखें तो इनकी जो वैल्यू है उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जो 1.5 है, ठीक है, अगर हम 1.5 एक बार माइनस करेंगे 0.04, और एक बार करेंगे 1.5 + 0.04, ठीक है, तो ऐसे करके कितना आंसर आ जाएगा, ऐसे करने पे इसका माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 है, 50 में से हमको कितना निकालना है, 4, तो 1.46 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.54। अब दशमलव के बाद दोनों संख्याएं सेम डिजिट में हैं, तो हम अगर इसको सीधा सीधा अगर 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 / 1/4। हम देखते हैं कि इसको ये 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/3/7/7, ठीक है, तो आंसर का क्या हो जाएगा इसका, ए, ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इतने सारे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजी है, आप अगर दशमलव के नियम को जानते होंगे तो हम इसका मल्टीपल करेंगे और उसमें ये देखते हैं कि जितना जो दशमलव है तो दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं वो कितने डिजिट तक है, ठीक है। तो पहले हम जितने भी इक्वेशन है सबको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, यहाँ से 3 3 3 3 × 3 / 9 हो जाएगा, 9 × 3 में करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 × 3 करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 81 में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 243, ओके 243 तो आ गया। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो दशमलव है उसका क्या रोल है, दशमलव हम क्रॉस करते जाएंगे और फिर जितने भी दशमलव के बाद की संख्या है हम उनको भी काउंट करते हैं, और काउंट करने के बाद लास्ट में जोड़ देते हैं, तो इधर कितनी हो गई, एक, इधर दो, एक दो, एक 3 हो गया, और 3 और इधर 3 है, 6 हो गया, ठीक है, तो 6 हो गया। अब 6 करने के बाद ये तो 3 है ही, तो 3 0 और बढ़ा देते हैं तो कितना हो गया, 6। अब 6 के बाद हम दशमलव लगा देते हैं तो कैंसर क्या हो जाएगा इसका, जो फॉलो कर रहा है इस चीज़ को, ये दशमलव के बाद जितनी भी 6 डिजिट है वो आंसर हो जाएगा, आंसर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा लॉजिकल है, कॉमन सेंस की बात है, रीजनिंग की चीज़ें, तो रीजनिंग चीज़ें ये है कि यहाँ पे दिया हुआ 15 15 कैसे होगा। अब हम देखते हैं कि कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो जिसका 2 बार करें और उसका आधा कर दें, तो हम लेते हैं कि जो 6 है तो 6 यहाँ पे हुआ, 6 यहाँ पे हो जाएगा, और इसका आधा जो है 3, तो ये मिल करके कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ऐसे ही क्या है कि इसमें हम इसको तो हमने 6 ले लिया, अब 6 है, अब इसे प्लस दिया हुआ है, तो हम क्या संख्या जोड़ेंगे कि 4 जो है उस जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास, तो 4 अगर हम यहाँ पे, इन दोनों का वैल्यू होना चाहिए और इनमें से कोई संख्या ऐसी हो जो कि बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं
की जो वैल्यू है 6। अब इसमें क्या वैल्यू होगी कि जिसका 2 गुना करने के बाद फिर हम उसको आधा से माइनस कर देंगे तो 6 वैल्यू हमें फाइंड हो। ठीक है, तो हम इसको जब देखते हैं कि 4 यहाँ पे लेते हैं, 4 यहाँ पे लेते हैं, तो 4 4 8 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे, 2 इसका आधा जो है वो माइनस करते हैं तो हमें 6 फाइंड हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है वहाँ पे वैल्यू रखते जाते हैं, तो ये जो लाइन वाली वैल्यू है यहाँ पे हमने क्या लिया था आपका 3। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसी की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू हमने क्या लिया था 2, और इसकी वैल्यू हमने क्या लिया 4। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, आप सिंपलीफिकेशन पढ़े होंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5। इसके बाद क्या करते हैं, हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, मल्टीपल को सॉल्व करते हैं, तो पहले यहाँ पे डिवीजन तो नहीं है, मल्टीपल है, तो मल्टीपल है तो 4 क्रॉस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। फिर प्लस माइनस को सॉल्व करते हैं, तो प्लस में क्या है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 23। ओके, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ये रीजनिंग का, इसमें हम देखते हैं कि जो अगला ये जो नेक्स्ट है इसका क्या आंसर होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें 12 स्टार हैं, कितने हैं 12, आप काउंट करेंगे तो 12 स्टार में से हम देखते हैं कि कोई एक सर्कल आता है और एक स्टार गायब हो जाता है। ठीक, यहाँ 2 सर्कल आया, यहाँ पे 2 स्टार गायब हो गया, 3 सर्कल आया, 3 स्टार गायब हो गया, यहाँ पे 4 सर्कल आया और 4 स्टार यहाँ पे गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो नेक्स्ट है तो एक सीरीज चल रही है, उसके अकॉर्डिंग 5 स्टार आना चाहिए और 5 सर्कल आना चाहिए, ऐसे चल रहा है सीरीज के अकॉर्डिंग 5 सर्कल आना चाहिए और 5 स्टार गायब होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, इसमें देखते हैं कि जो सर्कल है वो 3 ही है क्योंकि नेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो 5 आना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। और इसमें देखते हैं कि सर्कल कितने, 5 है, तो लेकिन स्टार गायब कितने हैं वो देखते हैं, तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 3 गायब है, या कि यहाँ पे 4 गायब है, लेकिन क्या है कि 4 और 5, तो 5 सर्कल आने चाहिए, 5 स्टार गायब होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 रहते भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 ही सर्कल रहते तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब बचता है क्या ये, और इसमें देखते हैं इसको कि 5 सर्कल है और स्टार कितने गायब हैं, 1 2 3 4 5, ये इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर ए हॉस्टल मैनेजर, न्यू आप हॉस्टल में कोई मैनेजर हैं, आप मैनेज करते हैं हॉस्टल को, कोई नए स्टूडेंट्स की भर्ती होने वाली है, जर्नी होने वाली है, तो आप अगले सेमेस्टर में तो आप क्या करेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि विल अप्राइज द अथॉरिटी अबाउट द प्रीवेलिंग प्रॉब्लम्स, आप क्या है कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी जो होंगे आप उनको प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और इसमें क्या है सेकेंड ऑप्शन में कि विल अप्राइज द अथॉरिटीज अबाउट द प्रीवेलिंग प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू गेट देम फिक्स्ड बिफोर द न्यू स्टूडेंट्स अराइव्ड, कि मतलब आप अथॉरिटी को बताएंगे समस्याओं के बारे में और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों के आने से पहले। और इसमें क्या है, विल अप्राइज द अथॉरिटीज अबाउट एंटिसिपेटेड एंड प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ जो समस्याएं हैं पहले, मतलब आगे भी आ सकती हैं, और जो पहले से समस्याएं प्रेजेंट हैं उन दोनों के बारे में अधिकारी को बताएंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसमें क्या बोला है कि वील वेट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स टू अराइव एंड रिपोर्ट द प्रॉब्लम्स, आप बच्चों का आने का इंतजार करेंगे और प्रॉब्लम्स को फिर बाद में सॉल्व करेंगे, तो ये तो वैसे थोड़ा कैंसिल हो जा रहा है। इसमें सबसे सटीक जो आंसर है अधिकारी होने के नाते आप क्या करेंगे, से करेंगे कि जो भावी समस्याएं हैं और जो प्रेजेंट समस्याएं हैं दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों के आने से पहले। ठीक है ना, क्योंकि आप हॉस्टल क्या हैं, मैनेजर हैं। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि यू लिव इन ए मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट, आप किसी मल्टी स्टोर में रहते हैं जहाँ पे देखा जाए कि देयर इज ए वाटर सीपेज, कोई वाटर सीपेज है उस इन अ टॉयलेट ऑफ योर नेबर्स, मतलब आप एक मल्टी में रहते हैं और मल्टी के कोई जो पड़ोसी है आपके, तो उस पड़ोसी के टॉयलेट से कुछ पानी लीकेज हो रहा है, तो क्या है विच इज जस्ट बिफोर योर टॉयलेट, आप जो कि आपके टॉयलेट के जस्ट नीचे है, और सीपेज क्या है ऐसा महसूस होता है कि वो आपके जो रूम है आपका जो मल्टी है उसके टॉयलेट से सीपेज हो रहा है, तो उस केस में
एक प्लम्बर आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए, है ना, आपके पड़ोसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो आप उस केस में क्या करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है विल आस्क हिम नॉट टू बॉदर यू, आप उससे बोलोगे कि ये ऐसा नहीं करो, ये मेरे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, आप इनकार करोगे, तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि लग रहा है तो आप सीधे मना नहीं कर सकते, ठीक है। एंड विल लेट हिम इन एंड फिक्स द प्रॉब्लम, उसको अंदर आने देंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है नैतिक रूप से। एंड विल आस्क हिम टू कम अ वीक, कम ऑन ए वीकेंड एज इट वुड टेल अ लॉट टाइम, कि मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आप उसको बोलोगे कि एक हफ्ते बाद आए, तो ऐसा नहीं है, आप उस समय प्लम्बर आया है तो आप उसको मना कर दो कि बाद में आना, मेरे पास टाइम नहीं है। और विल अलाउ द रिपेयर टू बी डन इन योर टॉयलेट प्रोवाइडेड यू योर नेबर्स बियर्स द रिपेयर कॉस्ट, मतलब आप उसको अपने अंदर अपने घर के अंदर आने देंगे और उसको जो उसका जो कॉस्ट है रिपेयरिंग का, वो आप पड़ोसी के न देने, पड़ोसी को न देने देंगे, आप खुद उसको पेमेंट करेंगे। तो इसमें बात यह है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो लीकेज है, सीपेज है, वो कहाँ है, वो आपके पड़ोसी के टॉयलेट में है, आपके यहाँ नहीं है, तो आप सीधे सी बात क्या करेंगे कि उसको अंदर आने देंगे और जो भी प्रॉब्लम उसको लग रही है वो देखेगा और सॉल्व करेगा उसको, प्लम्बर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि यू रिसीव एन ईमेल, आपको कोई एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें क्या पूछा गया है कि बैंक का लॉगिन और पासवर्ड, कितना खतरनाक चीज़ है, आपके बैंक का लॉगिन और पासवर्ड पूछा जा रहा है, आपको ऐसा ईमेल आया है, फ्रॉड केसेस बहुत सारे ऐसे सुनने को मिलते होंगे, तो इसमें क्या आप क्या डिसीजन लेंगे? तो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या है? विल सेंड योर बैंक डिटेल्स एट द अर्लीस्ट, आप जल्दी जल्दी उसको अपना बैंक डिटेल सेंड कर देंगे, अगर बिल्कुल नादान है, शरीफ हैं, तो हो सकता है। और सेकेंड ऑप्शन क्या है? विल डिलीट द ईमेल एंड फॉरगेट अबाउट, आप ईमेल को डिलीट कर देंगे और उसके भूल जाएंगे, ऐसे केस में क्या है कि आप भूल तो जाएंगे लेकिन सामने वाला आपको याद रखेगा, बार बार भेजता रहेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। और सी ऑप्शन में क्या है कि विल रिप्लाई टू नो व्हाई दे नीड टू वेरीफाई द बैंक लॉगिन एंड पासवर्ड, आप जानने का प्रयास करेंगे कि सामने वाला ऐसा मेल क्यों भेज रहा है और उसको क्या जरूरत है आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड की। तो ये थोड़ा सा ये है कि आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड की जरूरत, सीधी सी बात है, काहे के लोगों की पैसे निकालने ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। और नेक्स्ट क्या है? विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द सेंडर, आप सेंडर को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, एंड फॉरवर्ड द ईमेल टू द कंसर्न अथॉरिटी, आप जो कंसर्न अथॉरिटी है आप उसको ईमेल को फॉरवर्ड करोगे उसको न करके जो आपको भेजा है, ये थोड़ा ठीक है क्योंकि आपको पता भी तो करना है, क्योंकि परेशान कौन कर रहा है, आप कौन फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू बाय ए बॉटल ऑफ पैक्ड वाटर ऑन अ स्ट्रीट एंड एंड अप एम्प्टीइंग द बॉटल, व्हाट विल यू डू, आप रास्ते में एक पानी का बोतल खरीदते हैं, आप उसको ख़त्म कर देते हैं पानी को, अब फिर बॉटल क्या करेंगे आप सोसाइटी को, जो पर्यावरण इन्वायरमेंट है उसको बचाने के लिए, जैसे प्लास्टिक मुक्त भारत मतलब अपन को बनाना है, तो उसके लिए आपका क्या स्टेप होना चाहिए? ऑप्शन में है विल कीप द बॉटल एंड डिस्पोज इन गार्बेज बिन, थोड़ा ठीक लग रहा है, विल थ्रो इट एज यू गो अलॉन्ग, आप कहीं भी फेंक देंगे उसको, ये तो ठीक नहीं है पर्यावरण के हिसाब से। एंड विल थ्रो इट इन ए ड्रेन, आप उसको जहाँ पे खाली जगह या पे कूड़ा कट कर दिख रहा है आप वहाँ पे फेंक दोगे, तो ये भी थोड़ा लापरवाही का है दिख रहा है। एंड विल फाइंड ए डर्टी प्लेस एंड थ्रो इट देयर, आप कोई गंदा सा जगह देखोगे आप उसको फेंक दो, वहाँ पे फेंकोगे, तो इसमें ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल लग रहा है वो क्या करोगे कि आप उसको अपने पास रखोगे और जो गार्बेज बिन होगा जो उसके लिए बनाया गया होगा डस्टबिन, वहाँ पे उसको फेंकोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में यही तक, और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम आपको अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है।
थैंक यू सो मच।